आदाब नमस्कार। पिछली बार मैंने आपको घरानों के बारे में बताया था, तबलीगी घरानों के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको एक ताल है, बहुत ही अच्छी ताल है और बहुत सारे गानों में यूज होती है वो ताल। उस ताल का नाम है कहरवा ताल। वो ताल मैं आज आपको बताऊंगा, उसके बोल बताऊंगा और कुछ प्रकार उसका, एक दो प्रकार मैं आपके सामने उसके रखूंगा। आपने कई सारी फिल्मों में उस ताल को सुना होगा और बहुत ही आठ मात्रा की ये ताल है। बहुत सारी गानों में तबले पे, जो ढोलक पे, तबले पे ये यूज़ हुई है, बहुत सारे गानों में यूज़ हुई है। और आज भी जो वेस्टर्न बीट्स हैं उस पर भी आठ मात्रा चलती है। और ये तबले की जो आठ मात्रा है, जो वेस्टर्न बीट्स हैं उस हम बजाते हैं, तो उस पर तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो मात्रा है, उन मात्रा के साथ उनके वर्ड्स भी हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसके वर्ड्स हम बोलते हैं और उसको बजाया जाता है। तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि जैसे कहरवा ताल किस तरीके से बजाई जाती है। जो मेन कहरवा ताल है वो, और फिर उसके अलग अलग मैं प्रकार एक दो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कहरवा ताल है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 धागे नाती ना कधी ना, धागे नाती ना कधी ना, धागे नाती ना कधी ना, धागे नाती ना कधी ना। तो ये कहरवा ताल की मात्रा हो गई आठ मात्रा। अब मैं आपको तबले पे ये आठ मात्रा बजा के बताता हूँ किस तरीके से, और इसके आठ मात्रा के जो प्रकार हैं, इसके जो पीसेस हैं, वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। कहरवा ताल, मेन कहरवा ताल तो कहरवा ताल रहती है, उसके पीसेस आप माइंड से खुद बनाती हैं, जैसे लाइक कंपोजिशन। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सॉन्ग्स होते हैं उस तरीके से, फिर इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो ये वीडियो आपके सामने आज मैंने पेश की है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि तबले के अंदर जो मैंने आपको कहरवा ताल का बताया कि ये मेन कहरवा ताल है, मैं आपको बताता हूं कि कहरवा ताल का निकालने का जो स्टाइल है, ताल निकालने का जो तरीका है वो कैसा है। देखिए, सबसे पहले धा, धा कवर करने के लिए ये दोनों आपने उन फिंगर्स ली, और ये फर्स्ट फिंगर यहां से लिया आपने और ये फिंगर ली। उसके बाद आपने धा ऐसे किया, और उसके बाद ये यहां फर्स्ट फिंगर से ये, उसके बाद धा ऐसे यहां चाटी पे, इसको चाटी बोलते हैं, फिर ती लॉ पे, ती लॉ पर, फिर ना चाटी पे, क आपने यहाँ पूरी पे लिया ऐसे हाथ बना के क लिया, और उसके बाद यहाँ लॉ पर और सी
सीआई लॉ पर और ये पूरी पर मिला के आपने ई लिया है ना, उसके बाद चांटी पे ना लिया, फिर उसके बाद इसी तरीके से हाथ को मिला के क लिया और फिर ई लिया इस तरीके से और फिर ना यहाँ ऐसे लिया। अब देखिए स्टाइल इसका बनाने का, आप जितना स्पीड में चाहें उतने स्पीड में इसको ला सकते हैं, बशर्त आपके पास प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि आप उसको उस लेवल पर पहुंचा सकें। जैसे देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी इसका डोरा भी जैसे मैं सही कर रहा हूं, यहां पर डोरा इसके अंदर होता है जो साउंड को अच्छे रखने के लिए उसमें लगाया जाता है। यहाँ जो मैंने का लिया इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बता देता हूँ कि ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं मैदान, और ये स्याही है बीच में, और इधर जो पूरी पर है और जो मैंने मारा है अभी वो स्याही के बिल्कुल साइड में मैंने यहाँ इस जगह पे मारा है का, और यहीं पर ही का मारते हैं, और ये चांटी कहलाती है बीच में लॉ और इसके बाद होती है स्याही। तो ये आपका वीडियो है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।